तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ होंडा यूनिकॉर्न का टाइमिंग सेटिंग कैसे किया जाता है, जैसे टाइमिंग कैसे उसको मिलाया जाता है, उसका वीडियो के अंदर तरीका बताने जा रहा हूँ मैं। अभी इसमें जो सेटिंग अगर करना, अभी मैंने मैग्नेट भी देखिए ओपन किया हूँ मैं, और ये जो मैग्नेट ओपन किया हूँ, अब अगर आपको बेगैर समझ लो मैग्नेट आपको ओपन किया है कैसे उसको मिलाया जाता है उसका भी तरीका बता रहा हूँ। मैग्नेट लगा हुआ रहेगा उसका भी तरीका बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए, इसका जो मैग्नेट की जो चाबी होती है, देखिए ये ऊपर है, तो इसको इधर भी नहीं रहना चाहिए, इधर ऐसे जैसे जो पोजीशन में है देख लीजिए वही पोजीशन में इसको रहना चाहिए। ये पोजीशन में है तो पिस्टन जो होता है टॉप पे है, और इसका जो ऊपर का होता है जो टाइमिंग चैन का जो गियर लगा हुआ है, देखिए तो इधर मार्किंग लगा हुआ है, देखो मार्किंग इधर भी है और एक मार्किंग इधर भी है, ये मार्किंग दोनों स्ट्रेट रहना चाहिए और स्टार्ट रहना चाहिए। और जो होता है चिड़िया, जो जिसको चिड़िया बोलता है कोई, टाइपेड बोलना, ये देख लेना चाहिए लूज है कि टाइट है, देख लीजिए ये लूज रहना चाहिए, देखिए ये दोनों लूज है। तो ये तरीका है इसका टाइमिंग सेटिंग करने का। अभी आपको बता मैग्नेट का बता रहा हूँ, मैग्नेट का ये देखिए, यहाँ इसका जो मैग्नेट का मार्किंग होता है, देखो इधर है मार्किंग है, और ये मार्किंग अगर आपको देखना है बगैर ओपन किए जो मैग्नेट कवर होता है, इसको मैं ऐसे टम्पर वाइज आपको लगा के दिखा रहा हूँ मैं, जो चेक करना है ये खोलोगे, जो मार्किंग मैंने आपको बताया था वो मार्किंग आपको दिखेगा। ये नट खोलने के बाद आपको ये देखो ये जो मार्किंग होता है मार्किंग दिखेगा, मार्किंग देख के आप जो टाइमिंग होता है सेटिंग वो सेटिंग कर सकते हो यहाँ से। और इधर ये देखिए ऐसे मार्किंग रखना चाहिए, तो आपका जो टाइमिंग बराबर परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा इस तरीका अगर करोगे तो आप। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा।